हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 फरवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। और आज मैंने गायत्री मंत्र नहीं लिया है, मैं कल ले लूँगी। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। भारतीय यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह लॉन्च किया गया था 2016 में एनपीसीआई के द्वारा। यूपीआई क्या होता है? इंस्टेंट कैशलेस पेमेंट होता है, जैसे एग्जांपल आपका फ़ोनपे। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, मतलब भारत का जो यूपीआई है इसको स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। एफिल टावर, जो फ्रांस में एफिल टावर है, इसका जो टिकट है इसका भुगतान भारतीय यूपीआई से कर सकते हैं। एनपीसीआई और लायरा कंपनी, यह फ्रांस की कंपनी, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है इसी के लिए, भारतीय यूपीआई के लिए। नेक्स्ट है आपका, कहाँ कहाँ विदेशों में भारतीय यूपीआई यूज होता है? सिंगापुर में यूज होता है, यूएई में यूज होता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ब्रिटेन, यहाँ सब यूज होता है। नेक्स्ट है आपका, लंदन टॉप फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। 75 गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट आपका, फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल अटल। सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स फ्रांस में। 7 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। नेक्स्ट आपका, फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सा पर्वतीय देश स्थित है? अंडोरा। अंडोरा आईएमएफ का नवीनतम देश भी है। नेक्स्ट आपका, डिजिटल सेंजेन वीजा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश है फ्रांस। नेक्स्ट आपका, 2024 जो ओलंपिक होगा ये कहाँ पर खेला जाएगा? पेरिस में ही खेला जाएगा, इसलिए इसने यह वीजा जारी किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? उत्तराखंड की। जस्टिस रितु बहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। और इनको शपथ कौन दिलाया है? उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 217 में। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप मेरे टेलीग्राम को सर्च करेंगे @justdoitr तो मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया कि किस प्रकार आपको ये पीडीएफ मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट में कौन नियुक्त है? जस्टिस सुनीता अग्रवाल, यह अभी महिला जस्टिस, चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट है आपका, लल्लन टॉप राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन बने हैं? यम श्रीवास्तव। हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? केरल में बनी थी अन्ना चाड़ी। हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन? फातिमा बीवी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, 2024 में इनको पद्मश्री मिला है। हाईकोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में रॉयल्स रॉयल्स ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? GRSE से समझौता हुआ है। रॉयल्स इसका समझौता किससे हुआ है? GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता में है यह। इन दोनों में समझौता हुआ है MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए, और इसका निर्माण किया जाएगा रांची झारखंड में। नेक्स्ट है आपका, लल्लन टॉप C295 हेलीकॉप्टर, इसका निर्माण के लिए किसमें समझौता हुआ है? टाटा और एयरबस में समझौता हुआ है। निर्माण कहाँ पर होगा? वडोदरा गुजरात में। और पहला C295 हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? स्पेन से। नेक्स्ट है आपका, समुद्रयान के लिए कौन सा व्हीकल तैयार किया गया है? मत्स्य 6000। नेक्स्ट है आपका, किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में हादसा हो गया था? ओशन गेट कंपनी की, ओशन गेट जो कंपनी, इसकी पनडुब्बी थी USA का, इसी में हादसा हो गया था। नेक्स्ट आपका, समुद्र की ऊंचाई मापने के लिए क्या है? एल्टीमीटर है। और गहराई मापने के लिए फेदोमीटर है। या टाइटन पनडुब्बी देखने गए थे, खुद ही मलबा बन गए। नेक्स्ट है आपका, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भूटान है। अंतरिम बजट 2024-25 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इसमें जो भारतीय सहायता जो विदेशों में दी जाएगी, भारतीय सहायता 2023-24 में पहले स्थान पर है भूटान, दूसरे स्थान पर है मालदीव। और 2024-25 कितना दिया जाएगा? 5668 करोड़ रुपए विदेशों में सहायता दी जाएगी। भूटान पहले स्थान पर है, नेपाल दूसरे स्थान पर, मालदीव तीसरे स्थान पर आ गया है। भूटान को कितना दिया जाएगा? 2069 और नेपाल को 700, मालदीव को 600 करोड़। नेक्स्ट है आपका, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। मुद्रा है क्या है? गुल ट्रम्प। यहाँ के प्रधानमंत्री भी हाल ही बने हैं सेरिंग टैबगे।
निर्मला सीतारमण जी ने अब तक कितनी बार बजट पेश किया है? 6 बार पेश किया है। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? 10 बार मुरारजी देसाई ने। महिला में सर्वाधिक बार किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी वही है। नेक्स्ट आपको ब्रिटिश भारत में बजट सबसे पहले किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था 1860 में। अंतरिम बजट 2024-25 किस त्रिवेणी की बात कही गई है? इसमें भारतीयों को उम्मीदों को पूरा करने के लिए 3 त्रिवेणी की बात की गई है, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी। नेक्स्ट है आपका अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है? 5.1% 2024-25 के लिए, और 2023-24 के लिए 5.8%। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा में रखी है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसकी आधारशिला पीएम ने कहाँ रखी है? संबलपुर उड़ीसा में रखी है। लागत कितनी लगेगी? 27,000 करोड़ रुपए इसमें लागत लगेगी। बिजली की क्षमता 800 मेगावाट × 3 मतलब 2400 मेगावाट बिजली की क्षमता उत्पादित करेगा, और निर्माण कहाँ, निर्माण कौन करेगा? नेवली लिग्नाइट लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, रैटल ये कहाँ पर है? चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में। उरी परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर, और झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना भी है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षक पोत कौन सा है? INS संध्यायक। भारत का पहला सर्वेक्षक पोत इसका नाम है INS संध्यायक, इसको यार्ड 3025 भी कहा जाता है। इसमें 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं। इसको शामिल किया गया है नेवी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही 4 बनेंगे, ये 3 मतलब ही बनना बाकी है, ये 1 तैयार हो गया INS संध्यायक। निर्माण किसने किया है? GRSE, जो भी पहला वाला हम लोग क्वेश्चन देखा था, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कोलकाता। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित 6 पनडुब्बी इनका नाम है क्रम से है कलवरी, खांडेरी, करज, बेला, वागीर, वाक्सीर। वाक्सीर अंतिम है। निर्माण कहाँ किया गया था? मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई। नेक्स्ट आपका भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज क्या है? पनडुब्बी रोधी जहाज, इसका नाम है INS कर्नाला। नेक्स्ट आपका भारत का पहला विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। नेक्स्ट आपका प्रेरणा देवस्थली या INS त्रिकंद जो युद्ध पोत है इसकी कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस यह मनाया गया 4 फरवरी को। इसकी शुरुआत होती है सन 2000 में पेरिस से। इसका थीम क्या है? इसका देखभाल के अंतर को कम करना। अभी हाल ही में चर्चा में थी पूनम पांडे, इन्होंने कहा था कि मेरी मतलब इनके जो मैनेजर होते हैं उन्होंने कहा कि पूनम पांडे की मौत हो गई है सर्वाइकल कैंसर से, और 2 दिन बाद पता चलता है कि ये इनकी मौत नहीं हुई है, जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। ये क्या होता है सर्वाइकल कैंसर? महिलाओं के गर्भाशय की ग्रीवा पर मतलब ये होता है, गर्भाशय में होने वाला कैंसर है। और ये किस वायरस से? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, HPV बोला जाता है। महिलाओं में भारत में होने वाला सबसे बड़ा कैंसर है ये सर्वाइकल कैंसर। इसके इलाज के लिए वैक्सीन बनी है सर्वावैक। अभी हाल ही में जो अंतरिम बजट 2024-25 आया था इसमें जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था इसमें इन्होंने सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन को फ्री मतलब लगेगा, और कहा है कि 9 से जो 14 वर्ष की लड़कियां हैं इनको ये फ्री में लगेगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप स्टडी ऑफ कैंसर एक्नोलॉजी कोशिकाओं की अनियंत्रित जो वृद्धि होती है ये कैंसर कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवता बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? मिल्खा सिंह और PT उषा को सम्मानित किया गया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2 गोल्ड दिए हैं, 1 मिल्खा सिंह को मरणोपरांत दिया गया है और 1 PT उषा। PT उषा भारतीय ओलंपिक समिति की वर्तमान हेड है, पहली महिला हेड है इसकी। मिल्खा सिंह इन्होंने एशियन गेम्स में 1958 टोक्यो और 1962 जकार्ता में गोल्ड मेडल जीता था, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीता है। बस इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीतने से चूक गए थे, रोम ओलंपिक 1960 में इनकी 4th रैंक आई थी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष है PT उषा। नेक्स्ट है आपका भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक स्वर्ण पदक किसने जीता था? स्वर्ण पदक
2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में, और सेकंड वाला सेकंड किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक में। भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है, पीवी सिंधु है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में और ब्रॉन्ज जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। अब आप लोग बताइए कि पुरुष कौन से हैं जिन्होंने 2 पदक जीता था ओलंपिक में पहले। हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, लाल कृष्ण आडवाणी को घोषणा की गई है। भारत रत्न 1954 से देना स्टार्ट किया गया, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती, इनामी राशि। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह दिया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है यह अवार्ड। 49 नंबर का भी हाल ही में दिया गया है, मतलब घोषणा हुई है कर्पूरी ठाकुर को, जननायक के नाम से फेमस है, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अभी हाल ही में 50वें नंबर का यह घोषणा हुई है लाल कृष्ण आडवाणी को देने की। ये उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल गृह मंत्री के रूप में इन्हीं का है। और राम मंदिर रथ यात्रा इन्होंने स्टार्ट की थी गुजरात से अयोध्या के लिए। नेक्स्ट है आपका, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, सीवी रमन। मरणोपरांत पहला भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट आपको, कितने विदेशियों को भारत रत्न अब तक दिया गया है, 2 लोगों को, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को। 2024 पद्म विभूषण किसको दिया गया है, 5 लोगों को, वैजयंती माला भरतनाट्यम कला से संबंधित है, पद्म सुब्रमण्यम ये भी भरतनाट्यम कला से संबंधित है, वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति, चिरंजीवी एक्टर विंदेश्वर पाठक इनको मरणोपरांत दिया गया है, सुलभ शौचालय के फाउंडर है। नेक्स्ट आपका मदर टेरेसा, ये मूलतः कहाँ की थी, अल्बानिया की थी, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी 1948 में, तो ये भारतीय मूल की बन गई थी, भारतीय बन गई थी, इसलिए इनको विदेशी में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नरगेश ट्रॉफी किसने जीती है, कर्नाटक ने। नरगेश ट्रॉफी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में, विजेता बना कर्नाटक, उप विजेता बना है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, डूरंड कप फुटबॉल का कप है, विजेता बना है मोहन बगान। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का है, विजेता बना है हरियाणा। डेविस कप टेनिस का है, विजेता बना इटली। नेक्स्ट आपका अजलान सा कप, इसका संबंध किससे, हॉकी से है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, मलेशिया में। कहाँ से पता किसमें जीता है, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में हुआ राष्ट्रमंडल देशों में महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल का सम्मेलन। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। आज मैंने गायत्री मंत्र नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, और वीडियो जब लंबा हो जाता है ना तो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, जल्दी अपलोड नहीं होता है, इसलिए नहीं लिया। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।